हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, जिनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिनका संगीत में योगदान के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है विनायक राव पठवर्धन। चलो स्टार्ट करते हैं। विनायक राव पठवर्धन जन्म 22 जुलाई 1898 में हुआ। इनका जो जन्म है वो 22 जुलाई 1898 में हुआ और मृत्यु 23 अगस्त 1975 में हुई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के यह शिष्य थे। याद रखना, ये पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। मैं विनायक राव पठवर्धन अपने समय के महान गायक थे। वो बहुत ही महान गायक थे। जीवन परिचय इनका, विनायक राव पठवर्धन का जन्म 22 जुलाई 1898 ईस्वी को मिरज महाराष्ट्र में हुआ था। मिरज में हुआ था और महाराष्ट्र के ही अंदर हुआ था। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा श्री केशव राव से प्राप्त की। तत्पश्चात 9 वर्ष की आयु से पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से शिक्षा लेना शुरू किया। प्रारंभ में बाल गंधर्व की नाटक मंडली में काम किया। तत्पश्चात सन 1932 में गंधर्व महाविद्यालय पूना की स्थापना करके आजीवन संगीत सेवा की। याद रखना, फिर उन्होंने क्या किया है, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की पूना में, ठीक है। तत्पश्चात यहाँ पे आप देख सकते हो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने से शिक्षा ली। उसके बाद प्रारंभ में बाल गंधर्व की नाटक मंडली में काम किया। तत्पश्चात 1932 में गंधर्व महाविद्यालय पूना की स्थापना, पूना में आजीवन सेवा दी और स्थापना की। कई पाठ्य पुरस्कार भी, पुस्तकें भी लिखी, कई उन्होंने जो पुस्तकें भी लिखी जिसमें राग विज्ञान प्रमुख है, ठीक है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो राग विज्ञान प्रमुख है और कई पुस्तकें लिखी है जिसमें राग विज्ञान प्रमुख है। चलो आगे चलते हैं। सम्मान, सन 1972 में विनायक राव पठवर्धन को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। इनको जो 1972 में, ये याद रखना बहुत जरूरी होता है कि कौन से सन में कौन सा पुरस्कार मिला है। तो 1972 में पद्म भूषण मिला है, ठीक है। पद्म भूषण इनको पुरस्कार मिला है। और इनके निधन के बारे में, विनायक राव पठवर्धन तराने के सिद्ध गायक थे, साथ ही चारों पट की गायकी में दक्ष थे। उन्होंने रूस में आदि देशों में जाकर भारतीय संगीत का प्रचार भी किया। अंततः 23 अगस्त 1975 को पूना में ही इस महान गायक मनीषी का देहावसान, मृत्यु हो गई। तो यही था इनका पूरा जीवन परिचय। और इनका जो मृत्यु हुआ है वो 23 अगस्त 1975 में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये तराने के बहुत ही प्रबल गायक थे, बहुत ही अच्छे गायक थे। और एक चीज याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1972 में इनको पद्म भूषण मिला है। और ये किनके शिष्य थे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के ये शिष्य थे। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए। और धीरे धीरे करके म्यूजिक के जितने भी संगीत शास्त्र से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक में, एक एक करके सारी चीजें मैं डालूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू एवरीवन।